एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, और अकाउंटिंग या बिजनेस के अंतर्गत जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को या एक बिजनेसमैन की अकाउंटिंग देखने वाले व्यक्ति को। कहीं ना कहीं एक व्यापार के अंतर्गत जब बहुत ज्यादा लेनदारी और देनदारी हो तो उसमें किसका कितना लेनदारी है और कितना देनदारियां हैं उसको मैनेज करने में भी बड़ी समस्या आती है। साथ ही साथ स्टॉक अपडेशन वाला मामला बड़ा पेचीदा होता है। आइटम कितने हमारे पास स्टॉक में हैं, कई मामले ऐसे होते हैं कि स्टॉक पूर्णतः खत्म हो जाता है, इसके बाद पता चलता है कि आइटम अवेलेबल नहीं है, तब जाकर के हम ऑर्डर प्रोसेस में डालते हैं और फिर वो ऑर्डर प्रोसेस के अकॉर्डिंग फिर वो करके आकर के आता है और दुकान में आता है, इतने में कस्टमर चला जाता है। कई मामले में प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चल पाता है। कई मामले में हमें हमारे फिक्स असेट जिसमें डेप्रिसिएशन लगा है उसका पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण असेट हमारी बहुत ज्यादा खड़ी रहती है, असल में असेट हमारे पास उतना होता नहीं है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो एक व्यापार के अंतर्गत होती है। कई मामले में टैक्स का सही कैलकुलेशन नहीं हो पाता। कई मामले ऐसे भी हैं जहां पर टैक्स ज्यादा दे दिया जाता है, जैसे फिक्स असेट के ऊपर या एक्सपेंसेस के ऊपर जो टैक्स है उनका, जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए टैक्स में, वो नहीं मिल पाती है। कई ऐसे मामले हैं, यूनिट कन्वर्सेशन में बड़ी उलझन आती है। साथ ही साथ जब हम सर्टिफिकेटर्स क्रेडिटर्स या डेटर्स की बात करें, जब डेटर्स को हमने उधार माल बेचा है तो उनका एग्जैक्ट अपडेशन नहीं हो पाता है, तो उन सभी समस्याओं का बखूबी हल या निदान जो है वो टेली में है, इसमें कोई राय नहीं है। यदि एक बिजनेसमैन टेली सॉफ्टवेयर का यूज करता है तो मान के चलिएगा कि आपकी कई उलझनें बहुत आसानी से हल हो जाएगी। जैसे आपने माल बेचा है, माल रिटर्न आया है, कितना उनका ड्यू पेमेंट है, तो ये काम सब टेली का है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल की एक वाउच एंट्री करनी है जिसमें हमारे सारे आइटम का रिकॉर्ड हमें उनको देना है। जब वापस आता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक में कई आइटम उनके पास है, कई आइटम उनके पास सेल होते हैं और रिटर्न भी आते हैं, तो वहां पर कैलकुलेशन में बड़ी समस्या आती है कि इतना गया था और इतना वापस आया। तो यदि हम टैली में इन सब चीजों को रिकॉर्ड करके रखें तो हमारी जो समस्याएं हैं वो तो बहुत आसान हो जाएगी। अब समस्या यहाँ पर आती है कि टैली को कौन सीख सकता है, या क्या अकाउंटेड व्यक्ति के लिए ही है? तो ऐसा कतई नहीं है। टेली एक इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग का, लेकिन उस इजी इन्वायरमेंट को करने के लिए हमें टेली को सीखना होगा। टेली है इजी, लेकिन हमें बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट से गुजरना होगा, क्योंकि व्यापार के अंतर्गत जो व्यवहार हो रहे हैं उनके बारे में हमें अनुभव होना बहुत जरूरी है। इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारा मानना है कि यदि जो यूजर है वो यदि 10th पास भी है तो भी वो सीख सकता है, बस शर्त है कि रुचि कितनी है, सीखने की कंसेप्ट कितने हैं उनके, कितना उनका प्रैक्टिकल पर फोकस है, वो बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ कैलकुलेशन फंडा भी आपका अच्छा होना चाहिए। यदि आप कैलकुलेशन फंडे को अच्छा लेकर के चलेंगे तो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बन पाएंगे, और वर्तमान समय एक्सपर्ट का है। आपका बेस यदि अच्छा क्लियर हुआ तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, और उसमें आप अपना खुद का बिजनेस संभालना हो या कहीं पर जॉब की बात आती है तो वहां सभी पर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन उन सभी के लिए आपका कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं जीरो से, शुरू से, जिसमें हर कंसेप्ट हर पहलू को इसमें रखा जाएगा। बस शर्त है कि आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और जो चीज जहां पर जिस प्रकार से दी जाए उनको नोट कर लेना है। यदि आप हर चीज को लिख करके चलेंगे, नोट करके चलेंगे, तो वो माइंड में क्लियर हो जाएगा। क्लियर आपको करना है, डाउट यहाँ नहीं बचेगा। कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी कि कोई डाउट नहीं हो, लेकिन जब तक आपकी उसके प्रति समझने की क्षमता नहीं बढ़ पाती तब तक कहीं ना कहीं मन में डाउट रहता है। तो हम वन बाय वन सारी चीजों को समझेंगे, ये भी देखेंगे कि हम इस पूरे ड्यूरेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या इसमें कंसेप्ट इंक्लूड करने वाले हैं,
वो सब इसमें रहेगा, बखूबी रहेगा। और यदि आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यदि चलते हैं, तो बखूबी आप इस क्लास कंसेप्ट के माध्यम से खुद ही सेल्फ स्टडी में, यानी वीडियो क्लास बेसिस पर, आप टेली को बखूबी आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं टेली। टेली में सबसे पहले हम बेसिक्स को लेकर के चल रहे हैं, और बेसिक्स में जो हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है हमारी बैलेंस शीट। एक व्यापार के अंतर्गत होने वाले व्यवहार, उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, यानी अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, उसे हम फर्स्ट ऑफ लेकर के चलेंगे। जिसको हमने लेखांकन को चार भागों में वर्गीकृत किया है नॉर्मली, लेकिन देखा जाए, मूलतः देखा जाए, तो एक व्यापार के अंतर्गत दो ही चीजें होती है, एक होती है लाइबिलिटीज और दूसरा होता है असेट। लेकिन हमें ये समझना होता है कि क्या हमारा असेट है और क्या हमारी लाइबिलिटीज है, यानी एक व्यापार के अंतर्गत हमें जो देना है, देनदारियां हैं, उनको हम बोलेंगे लाइबिलिटीज, हमारे दायित्व है। असेट देने के अलावा जो हमारे व्यापार को चलाने के उद्देश्य से हमारे व्यापार में है, हमारे पास जो हमारे पास है, वो हमारा असेट है, वो हमारी संपत्ति है। तो एक पक्ष को आपको असेट को याद रखना है, दूसरे में लाइबिलिटीज को याद रखना है। बस ये व्यापार के अंदर दो ही चीज है, लाइबिलिटीज और असेट्स। लेकिन इनको करने के लिए हमें कुछ और इसमें व्यवहार जोड़े गए, वो है इनकम और एक्सपेंसेस, आय और व्यय। आय भी होती है हमारे व्यापार के अंतर्गत और व्यय भी होता है, खर्च भी होता है, यानी इनकम भी है और एक्सपेंसेस भी है। तो व्यापार में असेट और लाइबिलिटीज के पक्ष में कौन सा हमारा इनकम पक्ष में है और कौन सा हमारा एक्सपेंसेस पक्ष है, उसको हम कैसे रखें, ये हमें समझना होता है। तो ये मूलतः चारों पर ही डिपेंड करता है। लाइबिलिटीज मूलतः तो व्यापार में एक अच्छे अकाउंटेंट, एक अच्छे बिजनेसमैन कि ये विशेषता होती है कि वो हमेशा अपने लाइबिलिटीज को ध्यान में रखे, जिससे लॉस होने का, व्यापार गिरने की संभावना बहुत कम होती है। यदि बिजनेसमैन को अपने लाइबिलिटीज, दायित्व के बारे में अच्छे से पता है और वो अच्छे से उनका निर्वहन कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बिजनेस को अच्छे से चला सकेगा, बिल्कुल चला सके, क्योंकि उनको अपने लाइबिलिटीज पता है। लाइबिलिटीज पता होगी तो एक भार हमारा कम हो जाएगा कि हमें देना अब इतना ही है। जब लाइबिलिटीज हमें पता हो, तो हमारी असेट भी पता होगी, और लाइबिलिटीज को समय पर चुकाने के लिए हम अपने असेट की तरफ भी ध्यान देंगे कि हमारी असेट कौन कौन सी, कहाँ कहाँ हमारा धन उलझा पड़ा है, उसको हम एग्जिट करें वहां से, हाँ हमारे पास इनकम मिल रहे, ताकि हम अपने लाइबिलिटीज को समय रहते पूरा कर सके। और जो बिजनेस समय पर काम करते हैं बिजनेस में, उनके बिजनेस ग्रो करते जाते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी को हमें समझना है। अब हमारी लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, सबसे पहले हम इसको लेकर के चले। तो एक व्यापार को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूंजी से, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। हमारे पास किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर, चाहे वो एक छोटी सी पान की गुमटी ही क्यों ना हो, उसको भी चलाना है हमें, तब भी हमें धन लगाना पड़ेगा। तो हम बिजनेस को चलाने के उद्देश्य से कोई निवेश करते, कोई पूंजी लगाते हैं, तो व्यापार का स्वामी बिजनेस को चलाता है। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो ऑनर है हम जैसे, और एक हमारा बिजनेस। तो हम बिजनेस से एक एस्पेक्ट करते हैं कि भाई हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट करके देना, हमें कुछ प्रॉफिट बना करके देना, और इस उद्देश्य से हमने आप की शुरुआत की है, यानी बिजनेस की शुरुआत की है। तो व्यक्ति अपने बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो जो पैसा दिया है वो कहाँ से लेके आया, उसका क्या सोर्स है। उनका कहा कि हमारे पास कुछ धन है, अब वो हमने कहीं से भी अर्निंग किया, कहीं हम जॉब करते थे या कोई हमारे पास पुरानी चीज पड़ी थी, उसको हमने बेच करके या वो हमने लगाया। तो जो पूंजी हमने व्यापार में लगाई है, तो व्यापार एक अलग व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति मन से समझने के उद्देश्य से, यानी एक अलग कंसेप्ट है व्यापार, और एक उसका स्वामी है। तो स्वामी उसको चला रहा है, तो चलाने के लिए धन की आवश्यकता है व्यापार को, तो वो पूंजी हमने बिजनेस को दे दी। तो बिजनेस में वो आई तो है,
लेकिन एक समय बाद एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि वो वापस हमें देगा, यानी बिजनेस से ये उम्मीद की जा रही है कि वापस हमें ये रिटर्न करना। तो पहली लाइबिलिटीज की बात करें बिजनेस, हम बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो अब हम चला रहे हैं तो स्वामी कहीं, तो हमारा यानी बिजनेस का ये दायित्व है कि उस पूंजी को वापस करे। माना कि हमने 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू किया, अब ये 1 लाख रुपए किसको दे दिए गए, तो 1 लाख रुपए हमने बिजनेस को दे दिए हैं, यानी कि बिजनेस में पैसा आया है। ठीक है, तो बिजनेस का दायित्व है कि एक समय के बाद, जैसे इसमें 1 लाख 50 हजार का 50 हजार का प्रॉफिट हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे हमारे पास 1 लाख 50, प्रॉफिट तो हमारा 50 हजार, हम टोटल हमारे पास अमाउंट 1 लाख 50 हो सकता है। यदि हमें 1 लाख देना है तो अब हमारे पास 50 हजार ही बचेंगे, क्योंकि ये तो हमारा पूंजी था, ये तो इनिशियली धन था। आप ये नहीं कह सकते 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपके पास केस में 1.5 लाख बचे, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, नहीं, हमारी जो पूंजी थी लाइबिलिटीज उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो ये एक समय निश्चित बचा, हालांकि ये कई व्यापार में ऐसा होता है कि ये दी नहीं जाती, हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि वो हमारे धन था, तो बोले ठीक है बिजनेस को चलने दो चलने दो चलने दो, कभी हमें जरूरत लगती है तो फिर हम लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, अमाउंट हमारा खड़ा है। तो सबसे पहली एक बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या होती है, तो सबसे पहली लाइबिलिटीज होती है पूंजी या कैपिटल। सबसे पहले इसलिए भी होती है क्योंकि सबसे पहले इसी को हम लगाते हैं, या व्यापार में सभी से पहले यही आती है। यदि हमारे पास 2 लाख रुपए केस हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं नहीं ये रखे रहने दो, लोन ले ले, तो ऐसा कौन करेगा, लोन लेंगे तो ब्याज देना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपनी पूंजी का फोकस करते हैं कि हम इतना लगा देंगे, इसके बाद इसका यदि हमें और जरूरत है तो हम लोन ले लेंगे। तो पहले लाइबिलिटीज है हमारी कैपिटल, इसको याद रखते चलिएगा, और इनको आप नोट भी करते जाए सर, यदि कॉपी पे आपने सारी चीज नोट किया तो बहुत भी आपको समझ में आता जाएगा। दूसरा, 1 लाख से हमारा काम नहीं बनता, तो हमने क्या किया, 1 लाख का लोन ले लिया। तो 1 लाख का जो हमने लोन लिया है, ये हमारी दूसरी लाइबिलिटी है, जहां से भी लिया। अब इसका सोर्स क्या है, तो या तो किसी व्यक्ति से ले लिया या किसी संस्था से ले लिया, जैसे बैंक हो गया, तो वहां से, तो जहां भी जो भी सोर्स है वहां से हमने लिया। तो अब हमारी दूसरी लाइबिलिटी हो गई लोन लाइबिलिटी, 1 लाख रुपए हमने लोन लिए। अब इसमें दो प्रकार के लोन, एक होता है सिक्योर और एक अनसिक्योर, इसमें मामला आता है। नॉर्मली कहा जाता है कि बैंक से लिया जाने वाला लोन सिक्योर लोन है, लेकिन ऐसा कतई नहीं कि ओनली बैंक से ही लिया जाने वाला लोन सिक्योर लोन है। हमें सीधा सीधा इस फंडा समझना है कि वह लोन जिसके अगेंस्ट में कोई धन या पूंजी खड़ी है, कोई भी वस्तु खड़ी है। जैसे हमने 1 लाख का लोन लिया, लेकिन 1 लाख के लोन के आगे हमने क्या किया, अपने मकान की जो रजिस्ट्री थी उसको दे दिया, यानी मकान गिरवी रख दिया। तो गिरवी रख दिया, इसका मतलब यदि लोन चुकता नहीं करेंगे तो मकान राजसात हो जाएगा। तो उसके अगेंस्ट में क्या, क्योंकि बैंक का लिया जाने वाला लोन सिक्योर, इसीलिए सिक्योर लोन की श्रेणी में आता है, क्योंकि बैंक आपको जब लोन देती है तो कोई डॉक्यूमेंट रख लेती है, और कल को यदि बैंक का लोन जमा नहीं करेंगे तो वो जो लोन है वो राजसात कर लिया जाएगा, बैंक अपने अंदर में ले लेगी, इसलिए उसको सिक्योर लोन। तो वे तमाम लोन जिनके अगेंस्ट कोई वैल्यू खड़ी है वो हमारे सिक्योर लोन है, जिनके आगे डायरेक्टली जैसे मार्केट में किसी व्यक्ति से लिया, बोले यार हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, 3% के है, 2% के ब्याज पे दे दो, मंथली 2%, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले जाओ, नहीं दोगे तो बोले देखना ध्यान रखना कल को मैं फिर जो है कि दबाव डालूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन कुछ कर सकते। लेकिन उनके पास कोर्ट में जाने के लिए, सरकार या कानून का सहारा लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। यदि वो पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड पर्सन है, ऐसा भी होता है मार्केट में कि बहुत सारे इस प्रकार का बिजनेस करते हैं कि वो लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, लेकिन उसका लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद फिर जब पैसा देते हैं तो चेक ले रखते हैं और डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट करवाते हैं कि नहीं दिया तो ये आपका कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। यानी यहाँ डरा धमकाने वाली दादागिरी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ अनसिक्योर लोन में दादागिरी और इस प्रकार से काम चलता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर सही नहीं है, गवर्नमेंट के आधार पर सही नहीं है, कोर्ट में उसके आधार पर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के यानी जहां पर सिक्योरिटी का कोई बेस नहीं होता है, वो लोन जो है अनसिक्योर लोन की श्रेणी में रखे जाते हैं। दो प्रकार के लोन, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। तो पहली लाइबिलिटी कैपिटल, दूसरी लाइबिलिटी हमारी लोन लाइबिलिटी। इसके बाद तीसरी लाइबिलिटी होती है करंट। एक व्यापार को चलाने के लिए हमें कई व्यवहार करने होते हैं, जैसे हमने माल खरीदा, अब माल था 3 लाख रुपए का, हमारे पास 2 लाख रुपए ही है, हमें कुछ पैसा भी चाहिए इंस्टेंटली, तो
हम कहते हैं कि 1 लाख रुपए हम सामने वाले को दे सकते हैं, माल कितने का खरीदना है, 3 लाख का। तो 3 लाख का माल खरीदा जिसमें हमने 1 लाख दे दिए, 2 लाख रुपए क्या है, ये हमारी अभी सिंडिकेटर को पैसा देनदारी में है। तो करंट देनदारी में कब, वित्तीय वर्ष का करोगे, यदि नहीं भी दे पाए तो फिर उसको नए वर्ष में डाल देते। तो एक वित्तीय वर्ष में जो भी देनदारियां होती है, जो भी व्यवहार होते हैं, उनको सभी को करंट लाइबिलिटीज में रखा गया। तो करंट लाइबिलिटीज में चालू लाइबिलिटी दायित्व हमारे जो होते हैं कौन कौन से हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर, जिसका भी एग्जाम्पल जहां से माल खरीद, ध्यान रखिएगा एक होता सन्ड्री क्रेडिटर्स, दूसरा होता सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या, जहां से आप माल खरीदते हैं वह व्यक्ति जो आपसे पैसा लेता है, किसके बदले में, माल के बदले में या सर्विस के बदले में। तो जहां से माल के बदले में पैसा लिया जा रहा है वो आपका लेनदार है, जहां माल बेचेंगे तो माल के बदले में पैसा देगा, तो जो देगा वो देनदार है। तो देनदार को बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स, लेनदार को बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जहां से माल खरीद रहे हैं, जैसे 2 लाख रुपए हमें ये देने हैं, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। एक लाइबिलिटीज कौन सी हुई हमारी, सन्ड्री क्रेडिटर्स सबसे फर्स्ट। दूसरी करंट लाइबिलिटी एक्सपेंसेस पेबल, एक व्यापार को चलाने के लिए हमारे कई खर्च भी होते हैं, जैसे कि हमने सैलरी दी, मकान किराया, शॉप किराया दिया, या जो कि बिल, बिजली बिल दिया। तो इस प्रकार के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे क्या है, एक्सपेंसेस पेबल है। इसके अलावा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल जिसको हम बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एक व्यापार के अंतर्गत लॉस यदि होता है तो वो भी हमारा ही, यदि व्यापार को भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन यदि प्रॉफिट हुआ तो भी लाइबिलिटीज है। ध्यान रखिएगा प्रॉफिट हो या लॉस, लॉस होता है तो सीधा से लाइबिलिटी देनदारी में ही है, कहीं ना कहीं उसको पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन ये व्यापार, व्यापार में प्रॉफिट हुआ, जैसे हमने दो दो 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार शुरू किया था, इसमें माना कि 10 हजार हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ये भी हमारी देनदारी है, ध्यान रखिए। तो देनदारी है तो किसको देना है, ये जो 10 हजार है असल में ये व्यापार के स्वामी को देना है। तो व्यापार को स्वामी को दी जा रही, मतलब ये क्या है, हमारी देनदारी है, ठीक है। तो ये व्यापार के स्वामी के पास पैसा चला जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ तब भी, लॉस हुआ तब भी, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही क्या है, लाइबिलिटीज है। इसके बाद आता है ड्यूटीज एंड टैक्स। जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए हमें कई सर्विसेज का यूज करते हैं, सेवाओं का यूज करते हैं, जैसे रोडवेज हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, तो कई सर्विस। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज आती है सिक्योरिटी। एक कंट्री में बिजनेस करते हैं, जैसे दुबई में कर रहे हैं, तो वहाँ कहाँ तक जाता है बिजनेस, बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन वहाँ पर बेईमानी, चोरी, इस ये चीजें भी बहुत कम होती, होती नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम होती, क्योंकि स्ट्रांग है गवर्नमेंट। तो एक बिजनेस को चलाने के लिए सभी चीजों का कोई लॉस नहीं हो, तो इसके लिए सरकार दायित्व होती है, कहीं ना कहीं सरकार अपना दायित्व लेती है, और उसके बेस पर वो हमसे टैक्स भी वसूल करती है। तो एक व्यापार के अंतर्गत जब प्रॉफिट होता है तो वहां पर हमें रेवेन्यू जनरेट करके देना होता है टैक्स के रूप में। तो एक टैक्स जिसका जो परसेंट, जैसे 18% हम जीएसटी दे रहे हैं, तो हमें व्यापार में कुछ टैक्स भी देना है, पूरा नहीं देना, जो भी परसेंटेज का है, तो वो क्या है, वो भी हमारी लाइबिलिटीज है। तो एक लाइबिलिटी हो गई हमारी ड्यूटीज है टैक्स। तो अब यहाँ पर जो याद रखने वाला कंसेप्ट है वो क्या है लाइबिलिटीज में, कि हमारी लाइबिलिटीज कौन कौन सी है। तो हमारी लाइबिलिटीज में कैपिटल सबसे फर्स्ट, फिर लोन लाइबिलिटी, लोन के अंतर्गत सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, ठीक है। इसके बाद करेंट, करेंट में क्या क्या जाएगा, सिंडिकेटर जहां से माल खरीदा गया वो हमारी लाइबिलिटीज है, एक्सपेंसेस पेबल व्यापार के अंतर्गत होने वाले खर्चे वो हमारी लाइबिलिटीज है, ड्यूटीज एंड टैक्स इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारी क्या है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज को आपको ओरल याद रखना है कि आपके एक व्यापार के अंतर्गत कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। जब लाइबिलिटीज आपको ध्यान रहेगी तो व्यापार में नुकसान की संभावना कम होगी, या हो रही है तो हम पता रहेगा, हमें पहले हम सचेत हो जाएंगे कि भैया हमारी ऑलरेडी इतनी लाइबिलिटीज खड़ी है, तो अब हमें आगे का नया काम अभी नहीं करना चाहिए, रुक करके करना चाहिए। हाँ, कई ऐसा प्रॉफिट लगता है बिजनेसमैन को तो नए वर्किंग प्रोसीजर को भी फॉलो करते हैं, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन इन चीजों को लेकर के चलता है, समझ करके चलता है। तो कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले असेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज, तीसरा इनकम और एक्सपेंसेस, ये एक व्यापार के अंतर्गत 4 चीजें, जिसमें हमने लाइबिलिटीज की अभी बात की थी। इसके बाद है असेट, असेट्स या संपत्ति। तो असेट में होता है फिक्स असेट। फिक्स असेट क्या है, तो ध्यान रखिएगा फिक्स यानी जिसको हिला नहीं सके, कहीं ले जा नहीं सके, वो फिक्स नहीं है।
सीधा सा फंडा है, वे संपत्तियां जिनको व्यापार के चलाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाया जाता है, असेट है। किस प्रकार की? फिक्स असेट। फिक्स असेट क्या है? तो वे तमाम, जैसे ये पैनल आप देख पा रहे हैं, तो इसको हमने काई के लिए लेके आए, हमने अपने व्यापार को, इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, व्यापारी समझ लेते हैं, इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। हमारा यदि टीवी का बिजनेस या लैपटॉप का, कंप्यूटर का बिजनेस है, तो हम 100 कंप्यूटर लेके आए, लेकिन एक कंप्यूटर हमने अपने यूज के लिए रख लिया कि हम इस पे अपना पूरा व्यापार का, व्यवहारों का ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें यहाँ पर एंट्री करने के लिए चाहिए। तो जो हमारे पास हमने रखा 99 जो लैपटॉप है, वो हमारी करंट असेट है, ये हमारी फिक्स असेट। अब इसको हम हिला सकते हैं, रख सकते हैं कभी भी? तो माइंड में कई बार ये होता है, फिक्स यानी एक जगह बिस्ता है ना, फिक्स यानी मेन सेंस ये है कि वो रेवेन्यू में जनरेट, यानी वो करेंसी में जनरेट नहीं होगा। लैपटॉप हमारे बाकी के 99 हम सेल कर देंगे, सेल करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केस में चला जाएगा, या बैंक में पैसा आया तो एक वैल्यू रुपए में वो कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो वस्तु में नहीं रहा। लेकिन इसे हम बेचते नहीं है, ये तो व्यापार चलाने के उद्देश्य से लाया गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम? फिक्स एसेट। दूसरा इन्वेस्टमेंट, हमने कोई निवेश किया है तो वो भी हमारी क्या है? संपत्ति है। करंट, करंट में चालू हमारे पास क्या क्या है, तो उसमें क्या कहेंगे? स्टॉक ही, हमारे पास स्टॉक कितना है, जैसे 99 कंप्यूटर, हम 100 कंप्यूटर लाए, तो 99 हमारा स्टॉक में है, ठीक है। एक हमारा फिक्स असेट में। लोन एंड एडवांस, जैसे व्यापार के अंतर्गत हम लोन लेते हैं, वैसे ही कई बार व्यापार में लोन दिया भी जाता है, जैसे हमने किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी हमारे ही व्यक्ति, इम्प्लॉई को हमने लोन दे दिया, या हमें लगता है कि कहीं पर, जैसे आपने देखा होगा अभी शार्क टैंक में, वो एक तो शेयर भी लेते हैं इक्विटी के साथ में, और दूसरा वो लोन भी देते हैं, तो उसका भी इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया था कि इतना हमारा लोन रहेगा, हमें आपको काउंटर ऑफर देते हैं, उसमें इतना तो हमारा शेयर रहेगा और हमारी इक्विटीज इतना रहेगा, और उसके बाद इतना हमारा लोन रहेगा, जो लोन आप पे करते हैं उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट, हमारे पास लोन और इंटरेस्ट रहेगा पर कदम। तो एक व्यापार दूसरे व्यापार को लोन दे रहा है, तो ऐसे हम भी किसी व्यक्ति संस्था को लोन दे सकते हैं। तो जो लोन दिया जाता है वो असेट के रूप में है, हमारी संपत्ति है, तो उसको बोला जाता है लोन एंड एडवांस है। जब हम टेली में इसको रिकॉर्ड करेंगे तब ये ध्यान रखिएगा, लोन लिए जाने वाले लोन लाइबिलिटीज है, लोन दिए जाने वाले लोन एंड असेट्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। डिपॉजिट असेट, कहीं हमने डिपॉजिट कर रखा है तो वो भी हमारा असेट है। इसी को एक और स्लाइड में हम समझ लेते हैं। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट में स्टॉक इन है, संधि उसमें छूटा हुआ था, एक संधि डेटर जिनको हमने माल बेचा है, तो माल के अग्रेंस उनसे पैसा लेना है, अब उन्होंने पैसा दिया नहीं है तो वो हमारा ही है, आएगा आज नहीं तो कल आएगा, तो हमारी वो असेट है। केस में हमारे पास कितना है, बैंक में हमारे पास कितना है, लोन हमने कितना दिया, और डिपॉजिटर्स कितना, तो ये हमारी है असेट। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, और इस ग्राफ के आधार पर आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनको यदि एक ही स्क्रीन में आप नोट करना चाहते हैं, तो हमने इसको एक ही स्लाइड में इंक्लूड करके दे दिया है, ये लीजिए। इसका आप स्क्रीन शॉट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके रुक करके लिख लें, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। जितना आप लिख करके चलेंगे, समझ के चलेंगे, उतना आपको बेनिफिट है। और इनको नेक्स्ट क्लासेस के पहले याद कर लें, जब आप इनको याद कर लेंगे तो इसको समझना, यानी नेक्स्ट क्लासेस में हम बैलेंस शीट को समझेंगे, तो बैलेंस शीट को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है।